नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कनौजिया और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया माइक का। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेरे पास ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें बोया का माइक है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसे खोला जाए और देखा जाए भाई कैसा प्रोडक्ट निकलता है इसमें से। ये आपका बिल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इसको बॉक्स को साइड में रख देते हैं। यहाँ देखते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये बोया M1 सीरीज का यूट्यूब माइक है। अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 74 डेसिबल का नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर इसमें जो बैटरी दी है वो है LR44 की, इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी। अगर बात करें इसके वेट का, तो इसमें आपको जो माइक्रोफोन का जो वेट मिलेगा वो आपको 2.5 ग्राम्स का मिलेगा। और जो इसका पावर मॉड्यूल है उसका जो वेट है वो 18 ग्राम आपको इसमें मिलेगा। बात करें इसके एक्सेसरीज की, इसमें आपको एक्सेसरीज क्या क्या मिलने वाला, इसमें आपको एक लेवल क्लिप मिलेगा, LR44 की बैटरी मिलेगा, और फोम वाइड स्क्रीन का आपको एक फोम मिल जाएगा, और 1/4 इंच का आपको इसमें अडाप्टर मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर इसका स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए इसे आप ओपन करके भी देख लेते हैं। इसी रहा उसका एक्सेसरीज। इसके साथ ही साथ इसमें आपको एक कैरी बैग मिलेगा जिसमें आप अपने माइक को रख सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। और आपको इसमें बोया का स्टिकर मिल जाएगा अगर आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे। इसमें आपको बोया का यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इसका सब कुछ इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसको पढ़कर आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और बात करें इसके अंदर की, तो इसमें आपको ये रहा हमारा बोया का माइक जिसे हम लगाकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये बोया का माइक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब हम इसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन इन द सेंस इसमें बैटरी कैसे लगाना है या और ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये रहा बोया का माइक। इसमें बैटरी लगाकर इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका सेटअप भी करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह राउंड करके इसको खोल लेना है। खोलने के साथ साथ आपको इस तरह खुल जाएगा पूरा। अब आपको अगर इसमें ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपको एक रिबन दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का एक रिबन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि ये रिबन किस लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि जब हमें अपना इसमें आपको बैटरी का इंस्टॉलेशन करना होगा, तो आपको इसी रिबन जब आपको इसमें बैटरी का इंस्टॉलेशन करना होगा, तो इसी रिबन के ऊपर हमें बैटरी को फिक्स करना है, ताकि इनके जब बैटरी कभी खराब हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो आपको बैटरी निकालने में ईजी हो। ठीक है, तो हम इसका रिबन बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा देखिए, ये रिबन बाहर की तरफ निकल गया। ठीक, अब इसमें देखिए सिंबल दिया है। ये जो पॉइंट है ये प्लस है और ये माइनस है, तो बैटरी को भी इसी डायरेक्शन में लगाना। जैसे ये प्लस इस साइड दिया, तो जो बैटरी का जो प्लस होगा इसी डायरेक्शन में, और जो ये उभरा हुआ है और ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये माइनस है, तो माइनस इसके अपोजिट में रहेगा। ठीक है, तो प्लस इस साइड है, तो हम प्लस को इस डायरेक्शन की तरफ लगाएंगे जहां पे आपका प्लस का जो सिंबल दिया हो। ठीक है, तो हमें इसी रिबन के ऊपर लगाना है। जैसे ये रिबन है, रिबन को ऐसा बाहर की तरफ थोड़ा हल्का सा खींच लेना और फिर इसी के ऊपर हमें ये बैटरी को लगाना है। ठीक है, तो इस तरह हमने बैटरी को फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ये बैटरी फिक्स हो गया है। अब मैं इसको रिबन का आपको पर्पस दिखाऊँ कि ये रिबन किस लिए दिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका बैटरी खराब हो गया है, आपको बैटरी रिप्लेस करना है, तो इससे आपको क्या होगा, जब आप रिबन को बाहर की तरफ खींचेंगे तो इससे आपका बैटरी ये निकल जाएगा। देखिए बैटरी निकल गया, तो आपको बैटरी निकालने में काफ़ी ईजी होगा इस रिबन से। तो ठीक है, तो फिर से इसको सही में लगा देते हैं। ये रहा बैटरी को हमने इसमें फिक्स कर दिया। अब इसको हम पैक कर देते हैं इसको साइड से। ठीक है, हमारा बैटरी का इंस्टॉलेशन भी हो गया। अब इसमें जो फोम दिया होगा उसको भी हम इसमें लगा लेते हैं। ये रहा फोम, इसको फोम को आपको इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर लेना। और ये जो प्लेचर है इसे आप अपने कॉलर में लगाकर वॉइस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा रिव्यू रहा आपका
अब बात करें इसके नॉइस कैंसिलेशन की, तो इसका नॉइस कैंसिलेशन काफी जबरदस्त है। अगर आप एक ब्लॉगर है और आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बोया का माइक परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये रिव्यू कैसा लगा। कुछ सैंपल वीडियो देखते हैं तब हम डिफाइन कर पाएंगे कि विथ माइक के साथ कैसे हमें ऑडियो आउटपुट मिलता है और विदाउट माइक के साथ कैसा ऑडियो आउटपुट मिलता है। जो भी आप मेरा वॉइस सुन रहे हैं वो विदाउट माइक के साथ है, अब विथ माइक के साथ भी इसकी वॉइस सुन लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कनौजिया और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल पर। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। तो जैसा भी आपने देखा विथ माइक और विदाउट माइक का, तो दोनों में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिला होगा। जो विथ माइक के साथ आपने जो वीडियो देखा उसमें जो वॉइस है वो काफी अच्छी है और काफी क्लीन वॉइस आ रही है, और जो विदाउट माइक है उसमें थोड़े बहुत आपको इको देखने को मिला। दोनों वीडियो देखने के बाद ये डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि किस वीडियो का वॉइस क्वालिटी सबसे बढ़िया है, विथ माइक के साथ वॉइस क्वालिटी सबसे बढ़िया मिलती है या विदाउट माइक के साथ वॉइस क्वालिटी सबसे बढ़िया मिलती है। गाइस आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।